स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन। पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। आज लक्सर में उदासीन अखाड़ा संगलवाल की पेशवाई बड़े ही शोभायमान तरीके से निकाली गई, जिसमें अखाड़ों के महंतों ने हिस्सा लिया। महंतों की इस शोभा यात्रा में 6 घोड़े, 2 डीजे, 4 बैंड, कई ट्रैक्टर ट्रॉली, कई कार और मिनी बस देखने को मिली। इस शोभा यात्रा में कई तरह की झांकियां भी देखने को मिली। पेशवाई के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ का तांता लगा रहा। लक्सर की सड़कें इस शोभा यात्रा को देखने वाले लोगों से भरी रही। ये शोभा यात्रा लक्सर के पीपली गांव के श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन निर्माण सर से चलकर उदासीन अखाड़ा संगलवाल अकबरपुर उद में पहुंची। वहीं शोभा यात्रा में लक्सर उप जिला अधिकारी शीरेंद्र सिंह नेगी मौजूद रहे और शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार भी लक्सर कोतवाली प्रदीप चौहान और SSI नितेश शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। वहीं महंतों की इस पेशवाई के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। जो श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण भ्रमणशील मंडल, जो कि पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता हुआ और हरिद्वार पूर्ण कुंभ मेला के पावन अवसर पर आज अखाड़ा संगलवाला ग्राम अकबरपुर ऊद में संत मंडल पधारे हैं, उनके लिए भव्य शोभा यात्रा की यहाँ तैयारियाँ की गई थी। भक्त सेवकों ने मिल करके बड़ी हंसी खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ मिल करके उनका भव्य स्वागत किया और शोभा यात्रा निकाली, पुष्प वर्षा की गई और हेलीकॉप्टर से भी उनका पुष्प वर्षा करके अभिवादन किया गया, वंदन अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया और उसके पश्चात यहाँ जो जमात है अपनी, ये संत मंडल है, ये लगभग 4-5 दिन तक यहाँ विश्राम रहेगा। उसके पश्चात में जैसा कि हमारी परंपरा में मात्रावाणी में उदासीनाचार जगतगुरु भगवान श्री चंद जी महाराज ने लिखा है, चेतहु नगरी तारहु गांव अलग पुरुष का सिमरो नाम, तो नगर और जगह जगह जा करके गांव-गांव को चैतन्य करने के लिए जो पावन संदेश उदासीनाचार जगतगुरु भगवान श्री चंद जी महाराज का था, तो 10 तारीख को अगले पड़ाव के लिए ये संत मंडल प्रस्थान कर जाएगा।